Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 1D, द लैंड एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़मीन और यहाँ के लोग। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से रीजन्स पाए जाते हैं, यानी किन किन लैंड फॉर्म्स से मिलकर पाकिस्तान बना है, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से वो खाने पीने की चीज़ें अपने लिए ख़रीदते हैं या क्या क्या खाते पीते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 14। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद मैनी टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी किस्मों की ज़मीनों से नवाजा है। देयर आर माउंटेंस, यहाँ पर पहाड़ हैं, प्लेटूज, सतह मुर्तफा हैं, प्लेट्स मैदान हैं, डेजर्ट्स सहरा हैं, द डेल्टा है, एंड द कोस्टल एरियाज़ और साहिली इलाके हैं। साहिली इलाके यानी वो इलाके जो समंदर के साथ साथ आते हैं। People belonging to the different regions have their distinctive lifestyles. लोग जो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं उनके अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके होते हैं। On closer examination, करीब से उनका मुवाज़ना करने के बाद we find हमने ये देखा that these are influenced by the landforms found in their regions, के वो तरीके उन वो जिस इलाके में रहते हैं उससे ताल्लुक़ रखते हैं या उससे जुड़े हुए होते हैं। लेट अस सी हाउ दिस कम्स अबाउट, अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। पेज 14, माउंटेनियस नॉर्दर्न रीजन, शुमाली पहाड़ी इलाका जात। Life for the people who live in these areas is very tough. जो लोग इन इलाकों में यानी इन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। Tough, मुश्किल। Because of the difficult terrain, hundreds of villages cannot be reached by metalled roads. तंग रास्तों की वजह से सैकड़ों गांव या देहात ऐसे हैं जहां तक पुख्ता सड़कें नहीं पहुंच पाती। फॉर द सेम रीज़न, और इसी वजह से सप्लाइंग ऑल एमिनिटीज़ टू दीज विलेजेस बिकम अ प्रॉब्लम, इन गांव तक या इन देहात तक तमाम सहूलियात पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। People cut down trees to use wood as fuel. लोग दरख्तों को काटते हैं लकड़ी को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। Not realizing that they are depleting the country's forested area. इस बात का एहसास किए बगैर कि वो हम अपने मुल्क के जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं। They engaged in terrace farming and raise livestock. वो खेती बाड़ी करते हैं और मवेशी पालते हैं। There are many nomadic tribes. यहाँ पर बहुत से खाना बदोश कबीले होते हैं which come down with their flocks to the plains in the severe winter month, जो कि अपने कबीलों के साथ सख्त सर्दी के मौसम में मैदानों में आ जाते हैं। They return to the mountains in spring, और बाहर के मौसम में वापस पहाड़ों पर चले जाते हैं। पेज 14, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। Lying on the foothills of the Karakoram Mountains is Gilgit. कराकरम की पहाड़ियों के साथ चलते हुए गिलगित आता है, द कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जो कि हमारे फिफ्थ प्रोवेंस गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत है।
It is connected to Hunza through the Karakoram Highway. गिलगित कराक्रम हाईवे के ज़रिए से हुंजा से जुड़ता है. हुंजा एक सिटी है. मच डेवलपमेंट वर्क इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ हैज़ बीन कैरीड आउट बाय द आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क्स इन दीज एरियाज. आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ज़रिए से इन इलाकों में तालीम और सेहत के मैदान में बहुत से काम किए गए हैं. A number of bridges, बहुत से पुल and irrigation canals और पानी के नालियों का इंतज़ाम किया गया है, बनाई गई हैं. There has been a significant increase in the people's income who mostly depend on the agriculture, जिससे यहाँ के लोगों की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जो कि ज़्यादातर ज़राअत पर इन्हसार करते थे. The literacy rate is over 90%. Owing the vast network of schools, colleges and a university. यहाँ पर तालीम का मेयार तकरीबन 90% है और स्कूल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी भी बड़े रकबे पर फैली हुई है. The main languages, यहाँ पर बोली जाने वाली ज़ुबानों में बुरुशास्की, वाखी और शीना शामिल हैं. पेज नंबर 15. द माउंटेन्स आर अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. पहाड़ बहुत मशहूर सियाही तवज्जो का मरकज़ होते हैं. पीपल फ्राम द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान एंड फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रॉंग दीज रिजॉर्ट्स प्रोवाइडिंग बिजनेस एंड इनकम फॉर द लोकल पीपल. मैदानी इलाकों और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आने वाले लोग सैरगाहों में रुकते हैं और मकामी लोगों की आमदनी में इजाफा करने की वजह बनते हैं. पेज नंबर 15. प्लेट्यूज. सतह मुर्तफा. There is a very little rainfall in the plateau areas. सतह मुर्तफा के इलाकों में बारिश बहुत कम होती है. And therefore there is little vegetation, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम फसलें उगती हैं या बहुत कम पौधे उगते हैं. Agriculture is not very extensive, ज़रात यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती. People graze their animals on small patches of grass. लोग अपने जानवरों को घास के छोटे छोटे टुकड़ों पर चरवाते हैं. Some tribes live a nomadic life and keep moving in search of grasslands. कुछ कबीले खाना बदोश ज़िंदगी गुजारते हैं और घास के मैदानों की तलाश में चलते रहते हैं. As this area is rich in minerals, और जबकि ये इलाके मदनियात के लिए में मदनियात में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, यानी इनमें मदनियात बहुत ज़्यादा होती हैं. सच एज जैसे कि लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, मार्बल, नेचुरल गैस एंड ऑयल और तेल. पीपल अर्न देयर लिविंग इन रिलेटेड एक्टिविटीज़. लोग इसी तरह की सरगर्मियों से अपनी आमदनी हासिल करते हैं या पैसे कमाते हैं. मैनी आर एम्प्लॉयड इन द ऑयल रिफाइनरी. बहुत से लोग तेल साफ करने के कारखानों में काम करते हैं. सीमेंट फैक्ट्रीज, सीमेंट के कारखानों में एंड द माइनिंग सेक्टर. और माइनिंग सेक्टर में यानी उन इलाकों में जहां पर पहाड़ों को या जमीन तोड़ा जाता है और उधर से मदनियात यानी मिनरल्स को निकाला जाता है. पेज नंबर 15. द इंडस प्लेन. दरियाए सिंध का मैदान. इंडस प्लेन प्रोवाइड्स पाकिस्तान विद द बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड. सिंध का मैदान पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ज़रात का मैदान है. वेल इरिगेटेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, जो कि नहरों के एक बेहतरीन निज़ाम के ज़रिए से सैराब होता है. These canals draw water from the rivers that flow across the plains.
इन नहरों के ज़रिए से पानी दरिया से आता है और पूरे मैदान को सैराब करता है। द फार्मर्स ऑल्सो यूज एन इफेक्टिव ट्यूब वेल सिस्टम। किसान बेहतरीन किस्म का ट्यूब वेल का निज़ाम भी इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट एंड प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ वाटर। बेहतरीन किस्म की और लगातार पानी की मकदार की वजह से दे कैन कल्टिवेट देयर लैंड ऑल ईयर राउंड, अपनी ज़मीन को सारा साल पानी से सैराब कर सकते हैं। फॉर दीज रीजन्स, इन्हीं वजूहात से की वजह से मोस्ट पीपल इन द प्लेन्स आर सेटल्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स एंड आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। बहुत से लोग मैदानों में रहने वाले बहुत से लोग देहात या कस्बों में रहते हैं और ज़रात में काम करते हैं, ज़रात के शोबे से मुंसलिक हैं। एट द सेम टाइम इसी तरह से देयर आर मैनी बहुत से ऐसे हैं हु फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द मैनी इंडस्ट्रीज दैट हैव बिन सेटअप। बहुत से लोग उन कारखानों में काम करते हैं जो कि अभी बनाए गए हैं। पेज नंबर 16। इन फैक्ट सम सिटीज लाइक गुजरांवाला, सियालकोट एंड फैसलाबाद आर हब्स ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक फैंस एंड स्पोर्ट्स गुड। बहुत से चीज़ें ऐसे कुछ शहर जैसे कि गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद ऐसे मराकज हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स यानी कपड़ों का कारखाना, फर्टिलाइजर्स खादें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सर्जरी के आलात जराही, बिजली के पंखे और खेलों का सामान बनाया जाता है। पेज नंबर 16। डेजर्ट्स, सहरा। वेरी फ्यू पीपल लिव इन द डेजर्ट्स। बहुत कम लोग सहराओं में रहते हैं। वाटर इज स्कार्स सो देयर इज़ वेरी लिटल एग्रीकल्चर थ्रू सम पीपल रेज कैटल। पानी यहाँ पर बहुत कम होता है जिसकी वजह से ज़रात बहुत कम होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग मवेशी पालते हैं। कुछ लोग मवेशी पालते हैं। Others are involved in cottage industries. बाकी के लोग छोटे पैमाने पर कारखाने बनाते हैं यानी घरेलू सनतों में काम करते हैं, जैसे कि कारपेट वेविंग, कालीन बनाना, हैंडलूम क्लॉथ हाथ से बना हुआ कपड़ा एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट और मकामी दस्तकारी सच एज जैसे कि पोटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना। लाइफ इज टफ इन द डेजर्ट। सहरा में ज़िंदगी सख्त होती है एंड देर इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और यहाँ पे गुरबत बहुत ज़्यादा होती है। पेज 17। कोस्टल एरियाज, साहिली इलाके। मैनी पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज आर इंगेज्ड इन द फिशिंग बिजनेस। बहुत से लोग जो कि साहिली इलाकों के करीब रहते हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं। द लैंड देयर इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल एग्रीकल्चर। यहाँ का इलाका बड़े पैमाने पर ज़रात करने के लिए मौजू नहीं होता, तो वेजिटेबल्स आर ग्रोन एंड देयर आर सम फार्म्स वेयर फ्रूट्स सच एज कोकोनट, गावा एंड पपाया आर ग्रोन, लेकिन सब्जियां उगाई जाती हैं और कुछ फलों के बागात भी हैं जहां पर नारियल, अमरूद और पपीता उगाए जाते हैं। द मेन सिटी ऑन द कोस्ट इज कराची, द कैपिटल ऑफ सिंध। साहिल पर मौजूद मरकजी शहरों में से कराची एक है जो कि सिंध का दारुल हुकूमत है। कराची इज़ द होम टू थाउजेंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड्स अ लाइवलीहुड फॉर पीपल फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान हु मूव टू कराची सीकिंग वर्क।
कराची में बहुत से कारखाने हैं और ये बहुत से लोगों को कारोबार फराहम करता है जो कि काम के लिए कराची पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची में जाते हैं। एज़ वेल एज़ इट्स टू पोर्ट्स ऑफ केमाड़ी एंड पोर्ट कासिम एंड अ लार्ज शिप यार्ड द शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनी, क्योंकि यहाँ की दो बंदरगाहें केमाड़ी और पोर्ट कासिम और एक बड़ी शिप यार्ड यानी वो जगह जहाँ पे जहाज़ तोड़े जाते हैं, वो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जहाँ पे शिप तोड़े जाते हैं वो बहुत से लोगों को मुलाजमत के मौके देते हैं। अ नियर टाउन करीबी कस्बा गवादर इज़ बीइंग डेवलप्ड फर्दर वेस्ट अलोंग द मकरान कोस्ट, मज़ीद बनाया जा रहा है मकरान कोस्ट के साथ साथ या मकरान के साहिल के साथ साथ। पेज नंबर 17 डेल्टा। द लार्जर पार्ट ऑफ द इंडस डेल्टा इज़ वेरी फर्टाइल। इंडस डेल्टा यानी दरिया सिंध के डेल्टा का बड़ा हिस्सा बहुत ज़रख़ेज़ है। सो मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़रात से वाबस्ता हैं। अदर पीपल अर्न अ लिविंग कैचिंग शेलफिश, बहुत से लोग खोलदार मछलियाँ पकड़कर कमाते हैं। सच एज जैसे कि प्रॉन्स श्रिम्स एंड क्रैब, झींगे और केकड़े वगैरह दैट ब्रीड इन द मैनग्रूव फॉरेस्ट इन दीज एरिया, जो कि यहाँ के करीबी जंगलात में पाए जाते हैं। दीज आर सोल्ड टू द लोकल मार्केट, इनको करीबी मार्केट्स में बेचा जाता है एंड ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू द इंटरनेशनल बायर्स और बैनुल अक्वामी तौर पर भी इनको बेचा जाता है। पेज 17 हाउ कैन पीपल चेंज द लैंड, लोग किस तरह से ज़मीन को तब्दील करते हैं। पीपल टेंड टू चेंज द नेचुरल एनवायरनमेंट व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद इट, लोग एक कुदरती माहौल को तब्दील करते हैं जब वो वहाँ पर रहते हैं या वहाँ रहना शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू बिल्ड टाउन्स एंड सिटीज़, कस्बे और शहर बनाते हुए एंड टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, और बहुत सा इलाके में खेती बाड़ी करने के लिए दे कट डाउन फॉरेस्ट, जंगलात को काट देते हैं। प्रोग्रेस कम्स एट अ प्राइस, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अ कंट्री नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मुल्क को बुनियादी ढांचे की ज़रूरत होती है जैसे कि सड़कें, रेलवे का निज़ाम एंड हाउसेस और घर। बट द नेसेसरी आउटकम्स ऑफ दिस इज़ डीफॉरेस्टेशन, लेकिन इसका जो सबसे अहम नतीजा निकलता है वो जंगलात की तबाही होता है। This not only destroyed the landscape, ये ना सिर्फ ज़मीन को तबाह करता है but also the habitat of wild animals, बल्कि जंगली जानवरों के घरों को भी ख़त्म करता है। In कराची में hundreds of acres of land have been reclaimed from the sea, समुंदर का बहुत सा इलाका, सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ इलाका साफ किया गया इन ऑर्डर टू बिल्ड मोर होम्स एंड बिजनेस, बहुत से घर और कारोबार करने के लिए। कॉजिंग द वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी टू रिक्यूड, जिसकी वजह से अरेबिया हीरा अरब के पानी को रोका गया। पेज नंबर 18 पैराग्राफ 1 माइनिंग कंपनीज चेंज द फेस ऑफ द लैंड, माइनिंग का जो कारखाने होते हैं जो कि ज़मीन से निकाल रहे होते हैं मदनियात वगैरह, वो ज़मीन की शक्ल बदल देते हैं थ्रू ब्लास्टिंग टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट मिनरल्स, ज़मीन से मुख्तलिफ मिनरल्स निकालते हुए जो तबाही करते हैं उसके नतीजे में। इन द मारगला हिल्स नियर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के करीब मारगला की पहाड़ियों में लाइमस्टोन इज़ बीइंग माइंड,
वहाँ से चूने का पत्थर निकाला गया, रोड्स आर बीइंग बिल्ड, सड़कें बनाई गई एंड रेजिडेंशियल एरियाज आर कमिंग अप इन द नेशनल पार्क, और रिहायशी इलाके नेशनल पार्क के अंदर तक आ गए, डिस्ट्रॉइंग अ ग्रेट डील ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जिसके नतीजे में बहुत सी कुदरती ज़मीन तबाह हो गई। पेज नंबर 18, पैराग्राफ 2। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑल्सो चेंज द फेस ऑफ लैंड एज आर्टिफिशियल लेक्स आर समटाइम्स क्रिएटेड। डैमों की तामीर ने भी ज़मीन का चेहरा बदल दिया है। इसके अलावा मस्नूई झीलें भी कभी कभार बनाई जाती हैं। समटाइम्स दिस इन्वॉल्व्स फ्लडिंग इन लार्ज एरिया विच मे कंटेन अ टाउन, विलेज और फार्म लैंड। कभी कभार इस सब की वजह से एक बड़ी इलाके में, जैसे कि कस्बे, गांव या एक ज़मीनी इलाके में सैलाब भी आ जाता है। इन पाकिस्तान में सच आर्टिफिशियल लेक्स आर फाउंड, ऐसी मस्नूई झीलें मिलती हैं जैसे कि मंगला, रावल और तरबेला। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल टू नेचर, लेकिन इंसानी सरगर्मियाँ हमेशा कुदरत के लिए नुकसानदेह नहीं होती। थल द सैंडी डेजर्ट विच एक्सटेंड्स फ्रॉम मियांवाली टू मुल्तान। थल जो कि एक रेतला सहरा है और मियांवाली से मुल्तान तक फैला हुआ है, यूज्ड टू हैव ह्यूज सैंड स्टॉर्म्स इन द 1950s। 1950 से वहाँ पर बहुत बड़ी रेत के तूफान आ रहे थे। तो केयरफुल प्लानिंग एंड इरीगेशन, बेहतरीन मनसूबाबंदी और आपाशी के ज़रिए द गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू टर्न दिस डेजर्ट वेयर नॉट अ प्लेट ऑफ ग्रास ग्रो इनटू अ फर्टाइल एरिया फुल ऑफ ऑर्चर्ड्स। हुकूमत इस काबिल हो गई कि उसने इस सहरा को तब्दील कर दिया, जहाँ पर एक घास भी, जहाँ पर कुछ घास भी नज़र नहीं आती थी, वहाँ पर वो अब एक ज़रख़ेज़ इलाका है जो कि बागात से भरा हुआ है।